रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा शब्द लगता होगा आपको, कितना मुश्किल शब्द है, कितनी मुश्किल चीज है। सब लोग आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अमल इसमें नहीं होता। बड़ा मुश्किल चीज है कि नहीं? रोड सेफ्टी मुश्किल है, आसान है? आसान है, तो फिर उसको हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं? उसको हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारे आचरण में नहीं है, हम अनुशासित नहीं है, हम उसको करना नहीं चाहते हैं, है ना। बड़ी सिंपल सी दो बातें जो सिखाई जाती हैं कि भैया हेलमेट का उपयोग करो, जब कार चलाएं तो सीट बेल्ट का उपयोग करो। कितना मुश्किल है? मुश्किल है ना, सीट बेल्ट लगाने में कितनी मुश्किल होती है। जब हम सीट पे बैठते हैं कितनी मुश्किल से सीट बेल्ट आती है, उसको लगाते हैं। हेलमेट लगाना कितना मुश्किल काम है, मुश्किल है ना, तो हम क्यों नहीं लगाते हैं? आप रोड पे निकलते हैं, कितने लोग हेलमेट का उपयोग करते हुए देखे आपने? मुश्किल से 5% लोग, और सीट बेल्ट को शायद 5% भी नहीं। जितने बच्चे हुए बैठे हुए हमारे, मुझे लग रहा है शायद हर घर में मोटरसाइकिल भी होगी, संभवतः कार भी होगी। उनके घर में होगी तो उनके रिलेशन में होगी, चाचा क्या होगी, ताऊ क्या होगी, मामा क्या होगी, फूफा क्या होगी, मौसा क्या होगी, होगी निश्चित रूप से। आप लोग बैठते भी होंगे उसमें। आप लोगों ने कभी देखा जो ड्राइविंग सीट पे आपके चाचा मामा या फूफा जो ड्राइव कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं? है? अच्छा, कितने लोग जब गाड़ी में बैठे हैं तो जो भी ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट लगाई? गुड, वेरी गुड। अगर झांसी में ऐसा है तो समझ लो आपके सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम की सफलता बहुत ऊपर की ओर जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा, बच्चों को प्रयास करना पड़ेगा। अन्य बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अगर हम दूसरे अमल करना शुरू कर दें, सीट बेल्ट और हेलमेट, तो यद्यपि अगर दुर्घटनाएं होंगी भी तो इंजरी की संख्या कम हो जाएगी, डेथ होने की संख्या कम हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। सबसे पहला जोर हमारा इसीलिए है कि हमारी कम से कम लोगों की डेथ हो और जो इंजरी हो वो भी बहुत कम। अन्य चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे उसके, लेकिन हमारी यही संख्या बढ़ती जा रही है और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रांगण में जो बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे स्कूटी या बाइक से आते होंगे। आते हैं? हाथ उठाए, कौन कौन बच्चे बाइक या स्कूटी से आते हैं? रोड। अच्छा, इतने बच्चों में से 18 साल की आयु कितने बच्चों ने पूरी की जिन्होंने हाथ उठाया? इसका मतलब नियमानुसार अभी आप वाहन चलाने के योग्य नहीं है। तो जिन बच्चों ने हाथ उठाया था उनको स्कूटी या मोटरसाइकिल चलानी चाहिए? जब तक आप एक आयु से तक आप लाइसेंस ना ले लें, जब तक आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना ना सीख लें। अगर आप चलाएंगे तो गलत तरीके से चलाएंगे, गलत ढंग से चलाएंगे, रोड पे एक्सीडेंट भी होगा। और ये जो देश का भविष्य बैठा हुआ है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, ठीक है, अगर किसी को दुर्घटना में कोई घटना होती है तो सोचिए उस परिवार का और इस देश का कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा। आप मन में ये बैठाइए और इस चीज को अपने आचरण में लाइए, अपने अनुशासन में लाइए, अपनी मनोवृत्ति में लाइए। जिस प्रकार सुबह उठ करके हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, सुबह स्कूल आते हैं, टीचर्स स्कूल में जो आपको काम देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसको पूरा करते हैं। ये इसको बताना शुरू कर दें, जो आपके अन्य भाई बंधु उनको बताना शुरू कर दें कि रोड ट्रैफिक के लिए आप अगर स्कूटर चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, आप अगर कार चलाएं तो सीट पर जरूर लगाएं। और आपका बाल मन, आप अगर मन से अपने पेरेंट्स को, अपने जाने वालों को बताएंगे तो मानने के लिए बाध्य होंगे। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद फिर रोड पे कंजेशन कितना होता है, वाहनों की संख्या कितनी है। लगातार जब हम देखिए विकास करेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, रोड बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हाई स्पीड की गाड़ियां आएंगी, लेकिन कंट्रोल हमें करना है, आचरण में हमें लाना है, मनोवृत्ति मुझे अपनी ठीक करनी है, व्यवस्थाएं हमें, जो व्यवस्थाएं दी गई सरकार की ओर से उनका पालन हमें करना है। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, यही विनम्र अनुरोध है, विशेषकर बाल मन से, बच्चों से,
कि आप इसको बिल्कुल अपनी मनोवृत्त में छाप लीजिए, जिस तरह से आप किताबें पढ़ के छाप के लिख के आते हैं ना, उसी तरह से इसको भी छाप लीजिए और घर में बताइएगा। मैं 100% कहता हूँ कि इसकी पाणिति, इसका इम्पैक्ट 20-80% आएगा, डिटेंशन में आएगा, और यही हमारी और आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस विद्यालय के प्रशासन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अभी 2 दिन से हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से कई विद्यालयों में जा कर के देख रहे हैं कि जो बच्चे माइनर बच्चे जब एक ऊंचा में भी स्कूटी से या मोटरसाइकिल से आते हैं उन पर थोड़ा विद्यालय प्रशासन कंट्रोल करे। जो छोटे वाहन इस टेम्पो से या ई रिक्शा से या वैन से जो बच्चे आते हैं उनमें बड़ी संख्या में बच्चे भर के आते हैं, कैपेसिटी उनकी 5 की है और बच्चे बारह बारह बैठे हुए हैं, तो हम विद्यालय प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उनसे अनुरोध करें कि आपका बच्चा है उसके जीवन की सेफ्टी की जिम्मेदारी आप है, आप इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उस वैन में जिस वैन में 10 या 12 बच्चे बैठे हैं उसमें अपने आप बच्चों को क्यों भेजते हैं। हो सकता है वैन की संख्या बढ़ जाएगी, गाड़ी की संख्या बढ़ जाएगी, ये भी हो सकता है कि किराया भी बढ़ जाए, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी है। तो जरूर मैं अनुरोध करना चाहूँगा विद्यालय प्रशासन से कि पीटीएम में पेरेंट्स मीटिंग में इस चीज़ को रखें, और अगर नहीं मानते हैं तो उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी फिक्स करें कि माइनर में। अभी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो आप लोग कह रहे हैं कि अभी जो बच्चे हाथ उठाए थे कि हम बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, अगर उस बाइक या स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है और उसका अगर चालान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स पे फिक्स की जाती है, और उसमें हमारे सीओ ट्रैफिक साहब जानते हैं कि सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने के साथ साथ सजा का ही प्रावधान है। आपकी गलती की सजा आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, आपको नहीं लगेगा ना, तो प्लीज़ हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अंत में जा करके आपके पेरेंट्स को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़े और उनको इस तरह की चीज़ से गुजरना पड़े। तो इसी अनुरोध के साथ में और इस उम्मीद के साथ में कि हमारे छात्र छात्राएं हमारे इस प्रोग्राम का फैलाव करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, और विद्यालय प्रशासन भी हमारा इसमें सहयोग करेगा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यहां मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, कॉलेज के प्रबंधक महोदय आज शायद यहाँ मौजूद नहीं है, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, कॉलेज के सभी टीचर साहबान व प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जिस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं, मैं उद्देश्य मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है। हम लोग सभी लोग एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं? हमारे प्यारे बच्चे जो अभी काफी पीछे खड़े हुए हैं, यातायात के संबंध में जो भी बातें बतानी है बताया, हम इस सभी से गौरवान्वित हूँ कि कम से कम ये बच्चों ने हमें आज खुद को गाइड किया कि हमें कैसे रहना है, कैसे सड़क पर चलना है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है, कैसे अनुशासन के साथ रहकर इस कॉलेज के साथ साथ इस प्रदेश ने देश को आगे बढ़ाना है। हमें खुद सीख मिली इन बच्चों से, जो मैं आज मुझे पुनः अपने कॉलेज की भी याद आई कि अभी सीखने की इच्छा हमारे प्रबल है, और इस कॉलेज में आकर मैंने सीखा कि कैसे हमें एक अनुशासित तरीके से रहकर एक जिंदगी, एक माँ बाप के भविष्य को उज्जवल करना है, उसको मैंने भी सीखा, और संभव मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी सीखेंगे और सीखे हैं और पालन भी करेंगे, पूर्णतः विश्वास है। मैं कुछ बात आपसे ही जानना चाहता हूं, आज हमारे आने का उद्देश्य क्या है आप लोग बताएं, बताइए यहां एकत्रित होने का उद्देश्य क्या है, क्या रोड सेफ्टी के बारे में हम आज यहां पर जो एकत्रित हुए हैं, हम कॉलेज में ही क्यों जाते हैं, कोई एक बच्चा बताए, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
to make a better future for India, to save part of people from accidents and all, to spread awareness, safety rules, which one should follow on the roads. Thanks, Beta. हम ही नहीं ये बेटा, ये हम ही नहीं, ये हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर हम यातायात पर बहुत ही महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अन्य देशों से हमारे देश में दुर्घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। इस पर विचार करते हुए हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए गाइडेंस के अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को आपके स्कूल में जन जन तक बच्चों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हम लोगों के लिए है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो आप स्वयं पालन करें और अपने छोटे भाई परिवार के साथ इस दिशा निर्देश को दें कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और रोड सेफ्टी रहें, सुरक्षित चलें। मेरा उद्देश्य यह है कहने का बच्चों कि हम जब घर से निकलते हैं या कॉलेज आ पाते हैं और आप वापस अपने जब घर रिटर्न होते हैं, सकुशल पहुंचते हैं, उसमें आपके माँ बाप और साथ हम भी खुशी मनाते हैं कि आपके बच्चा घर से बाहर निकला और शाम को सुरक्षित वापस आया, तभी हमारी ये रोड सेफ्टी का ये उद्देश्य तभी पूर्ण होगा। ऐसे नहीं बेटा कि हम यहाँ बैठ गए और सुने फिर इसको फिर भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसको आपको पालन करना और अपने साथियों से पालन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ये रोड सेफ्टी आज के इस जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, जैसे हमको रोटी कपड़ा मकान महत्वपूर्ण है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी अति महत्वपूर्ण हो गया बेटा। इसलिए हम आज आपके माध्यम से हम लोग कॉलेज के बच्चों से, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, आप आने वाले दिनों के उज्जवल भविष्य हैं, इस वजह से आपके पास आकर हम लोग इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गांव में भी जाते हैं, गांव के बच्चों को भी ब्रीफ करते हैं, जो भी हमसे या हमारे परिवहन विभाग से जो भी हम लोग रोड सेफ्टी संबंधी जानकारियां होती हैं, सिग्नल होते हैं, जो भी उनके कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनको ब्रीफ किया जाता है ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि सबसे जीवन अगर महत्वपूर्ण है तो आज मनुष्य का जीवन है, इन दुर्घटनाओं को हम रोक सकें। इसलिए हम आपके कॉलेज जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपके से अनुरोध करता हूं, आपसे आश्वस्त होता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने आने अपने साथियों के साथ साथ अपने अन्य लोग स्वयं भी पालन करेंगे और अन्य लोगों से भी पालन कराएंगे। मैं आज इस प्रांगण में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप स्वयं सेफ्टी से चलिए और दूसरों को सेफ्टी से चलने के लिए प्रेरित करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है। और मैं अपने गुरुजनों से भी, इस कॉलेज के गुरुजन से भी अनुरोध करूंगा कि दो शब्द प्रेयर में जरूर इस रोड सेफ्टी के संबंध में अवगत कराएं। तालियां हो जाए। आज आप लोग मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं रोड से बस। थैंक्स थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।